वेलकम टू आवर व्लॉग। आज सिम्बू शेरू को नहलाना था बट उनको थोड़े से जल्दी उठ गए थे, उनको घुमा के अब नहलाने के लिए लेकर गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि उन लोग नहा के कितनी मस्ती करते हैं। बीन्स की सब्जी चौड़ी बीन्स की रोटी बन रही है। से हाय। हफ्ता 10 दिन के बाद नहाता है तो आज नहा के कैसा लग रहा है तुमको? अभी हम पुणे भी चले गए थे तो इनके नहाने का टाइम निकल गया था, तो ऑलमोस्ट इस पर 10 दिन हो गए नहाए नहीं थे, इतने गंदे हो गए थे, धूल में जाते हैं, पसीना सब था तो बहुत मैले हो गए थे। तो टको ने आज इतने ऑफिस जाना है उनको, फिर भी जल्दी जल्दी नहला दिया। अभी नहा धो के बिल्कुल अभी गीले हैं थोड़े से, अब सूख जाएंगे तो बढ़िया से चमक जाएंगे। सिम्बू को बेड के ऊपर चढ़ना है, पता नहीं नहा लिया है तो ठंड लग रही है कि क्या है, पर ऐसे खड़ा है क्योंकि उसको ऊपर आना है और मैं आने नहीं दे रही हूँ। है ना चिम्बू दादा, कितना गोल गोल है रे तू, कितना प्यारा है रे, कितना ज़्यादा प्यारा है रे सिम्बू दादा। जीव का मुझे करना था फोटोशूट तो नहा धो के मैं उसको नीचे लेकर आई हूँ गार्डन में। कितना सुंदर सा ड्रेस दिया है फर्स्ट ट्राई वालों ने, कितना मस्त लग रहा है। गुजरात में एक साइक्लोन आने वाला है तो उसके लिए रेड अलर्ट कर दिया है, सारे जितने भी बीचेस हैं उनको बंद कर दिया गया है और जो भी कोस्ट लाइन है तो वहाँ पर भी बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और हम जहाँ रहते हैं यूजुअली भी वहाँ पर बहुत हवा रहती है, पर इस समय जो जंगली हवा यहाँ पर चल रही है ना उसके वजह से मतलब हमारे खिड़कियाँ, हमारे दरवाजे, हमारे बच्चे सब कुछ हिल जा रहा है। तो जैसे अभी मैं नीचे लेकर गई थी फ़ोटोशूट के लिए तो जियो के पैर ना मतलब पड़ ही नहीं रहे थे वहाँ पर, बिल्कुल ऐसे पीछे पीछे चल रही थी। कल सिम्बू शेरू को जब लेकर गई थी तब भी उनके पैर भी टेढ़े मेढ़े पड़ रहे थे, मुझे खुद लग रहा था कि मुझे कोई पीछे ढकेल रहा है, मतलब हवा में उतनी ताकत है, बहुत ही तेज़ हवा और मतलब बादल तो उतने नहीं खाए हैं अभी लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। इन लोगों को देखिए सिम्बा के शेरू के साथ में क्या घेर के खड़े हो गए। शेरा को, शेरा क्या हो गया बेटू? सिम्बू भाई साहब देखिए कहाँ चले गए हैं, चलो वहाँ घुसे हैं और तब से आ नहीं रहे, मैं बहुत बुलाई हूँ उसको नहीं आया है। अब मुझे लगता है कि वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ उत्पटांग मिल गया है तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे देखने के लिए। बड़ी दूर तक आई हूँ चल के, अब और आगे जाना है। अगर इन लोग कीचड़ में गए होंगे तो आज मैं इनको यही छोड़ूंगी क्योंकि आज ही सुबह मैं इनको नहलाया है, अब दोबारा से नहलाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आ तो गई हूँ मैं लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा है। शेरा, ए शेरा, गायब हो गए बच्चे, दिख ही नहीं रहे। मुझे दूर से यहाँ तक दिख रहा था बट अब वो दोनों यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। शेरा जो है वो रास्ते में चला गया, मम्मी का मुझे फोन आया कि वो नीचे खड़ा हुआ है, मेरा वेट कर रहा होगा, डर गया है, पता नहीं, वो मुझे तो दिख नहीं रहा है।
अब किस तरफ गया है भगवान जाने। अब जा रही हूँ उनको फटाफट उसको लेने के लिए। मम्मी भी वहाँ से नीचे आ जाएगी, अगर दिखेगा तो मम्मी पकड़ लेगी उसको, नहीं होगा तो कहाँ चला गया है पता नहीं, देखती हूँ जाके। तू मुझसे पहले आ गया था, रोड तक आ गया, डर गया था कि अब मम्मी, पता नहीं मम्मी दिखाई नहीं दे रही कहाँ चली गई, मैं वो पेड़ के नीचे वीडियो बनाने लगी तो ये दरवाजे है ना जो कांच वाला नीचे, वहाँ आके खड़ा हो गया था। मम्मी नीचे गई फिर इसको लेकर आई, मुझे कॉल किया था वहाँ पे, उसको लगा कि मम्मी छोड़ के चली गई। ये है तो सही से आके खड़ा हो गया। हमारा सिंबू अगर होता ना पूरे सोसाइटी में गोल 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 घूम रहा होता, सोसाइटी को मालूम पड़ता है। हाँ तो वो सबको पता करवा लेता कि ये आया हूँ मैं, मुझे मम्मी नहीं मिल रही। ये आके चुपके से खड़ा हो गया, किसी को डराया भी नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, बढ़िया से आके खड़ा था। मम्मी पहुंच गई तो फटाफट से ऊपर आ गया। जोता क्यों है फिर यहाँ वहाँ खटुल्ला, जिम्मू को किता प्या लाया है भाई। मम्मी का पंखा खराब हो गया था तो लेने के लिए निकले, बारिश आ गई तो इन जगह रुके हैं। अभी दिख गई है रास्ते में पानी पूरी, तो पानी पूरी खाने के लिए रुके हैं। आईफोन में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी स्क्रीन और उनका लेंस होता है, तो उसी के कवर लगवाने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। मम्मी का पंखा लग गया है तो आज मम्मी तो बड़े आराम से सो रही है, और सिम्बा एसी में सो रहा है अंदर, और शेरू बेचारा यहाँ पर पड़ा हुआ है अकेले। शेरा को जब नींद आती है ना तब उसको और कुछ नहीं दिखाई देता है, बढ़िया से सोता रहता है। जीव भी सो गई है, अब मैं भी अपना थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।